आजि देशर अन्नदाताक सह सीधासळख कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 कोटी कृषक परिवार को मिलिबो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना रा परवर्ती किस्ती सप्तम किस्ती रे चासिंक अकाउंट रे जमा हेबो 18000 कोटी टंका पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती अवसर रे देशर विभिन्न स्थान रे बीजेपी आयोजन करछि कृषक समावेश एवं केन्द्र मंत्री ओ बीजेपी नेता माने कृषक मानंकु केन्द्र सरकारक योजना संपर्क रे बुझाइबे सीधा प्रसारण आपण माने वर्तमान देखुछन्ति जेउथारे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे सीधासळख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आलोचना कर और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया 4 लाख किसानों को 18098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बंपर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके,
इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया है और इसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज देश में 11 करोड़ 40 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं, 10 करोड़ 59 लाख किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाया गया है। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति में भी ये पैसा उनके यहां जाता रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान लगभग हैं जो पात्रता की सूची में हमारे अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। उनको हर साल 4,200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिल सकता है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं किया है। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस योजना से जुड़ें, जिससे 4,200 करोड़ रुपया जिस लाभ से पश्चिम बंगाल के किसान वंचित रह रहे हैं उनको वंचित न होना पड़े और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार में वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जहां देश के हर विकास खंड और हर पंचायत में लोग उनको आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहीं ऑनलाइन 8,02,00,000 लोगों ने अपने आप को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री जी का करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत। अब हम पीएम किसान योजना के तहत देश में लाभान्वित किसानों के अनुभव की लघु वीडियो फिल्म चलाने का अनुरोध करते हैं। 24 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने देश के अन्नदाता को एक नया सहारा और उसके योगदान को सम्मान दिया। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। दशकों से उपेक्षित और विकास से वंचित हमारे अन्नदाता को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि आज सशक्त बना रही है।
और पिछले दो सालों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख भूजोत धारी किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इस स्कीम से बहुत छोटे बड़े जमींदारों को सबको फायदा हुआ। हर चार महीने में किस्त आ जाती है बैंक में, मेरे में 6 किस्तें आ चुकी है, जिससे हमारा घर का और कृषि का सब काम चलता रहता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त बैंक खातों में सीधे पहुंचने पर जहां किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हुई, वहीं इस सम्मान राशि ने हमारे कृषक भाइयों को महाजन के कर्ज में डूबने से बचाया है। हमें हर वक्त साहूकार के पास जाना पड़ता था, भाई हमें 1,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए दे दे, कर्जा पानी से अपनी व्यवस्था चला पाते थे। अब हमें वो सब जरूरत है ना, अपने बैंक से सम्मान निधि से पूरी हो जाती है। जो पैसा मरे है ना थी, आ वर्षे हमारे खातर बियाण दवाओं खर्चो निकली जाए, तेना समयसर दवाओं खातर मरवा थी उत्पादन पण सारू आयु, अने एना थी खूब खूब हमने आ वर्षे लाभ थयो। इप्पुडु माकु नेरगा वच्चिनंदन ई पैसलु माकु मंची अवसरं पडुतुन्नावि। ई पथकं प्रवेशपेट्टिन प्राइम मिनिस्टर गारिकि ना यॊक्क नमस्कारालु। उधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को न किसी के सामने झुकने दिया और न ही उनके कृषि कार्य को रुकने दिया। लॉकडाउन में हमें समय से पैसा आया, बाकी हमें जो लॉकडाउन में जैसे सब्जी का काम करते, सब्जी का हमारा काम खत्म हो गया था, माल जा नहीं पा रहा था, उससे हम हमारे घर खर्चे हमने चलाए उससे। और आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब 9 करोड़ भूजोत कृषक परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। लाभार्थियों की यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। पीएम किसान सम्मान निधि के ये 2 साल हैं भूजोत किसान की मुस्कान के, कृषक के सशक्तिकरण और सम्मान के। आज भारत सरकार से सहायता पाकर मेरे देश का किसान खुशियों की फसल बो रहा है और किसान के साथ साथ पूरा देश सफल हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की नई किश्त का हस्तांतरण। वीडियो के लिए धन्यवाद। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिज्ञा देखकर हार्दिक अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के विभिन्न भागों के किसानों के साथ इस विभाग की योजनाओं के तहत उनके अनुभव के बारे में परस्पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री गगन पेरिंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्निक एफपीओ के लाभार्थी हैं। गगन पेरिंग जी। गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर साल हर महीने के पीछे 2,000 करके 3 बार मिला,
कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। एफपीओ सर, एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर। और हाँ, जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं जी? क्या जी वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकाग्रित यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था, अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है। और मैं इस धन को ब्याज धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब आप ये खर्च कहाँ से करते हैं? पहले क्या करते थे, पहले कैसा करते थे?
मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ, उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूँ, शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी, अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी। और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि एक केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें, ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? जी पक्का करेंगे। जी पक्का करूंगा सर। चलिए, जय जगन्नाथ आपको। नमस्कार सर। धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमस्कार। नमन प्रणाम सर। नमस्कार था। बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीर चंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूँ। हम चार भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं, और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूँ मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, इकट्ठे सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बांटते आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे। तो अब आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना